आई 20 क्लास, अच्छा आ गया स्क्रीन आ गया। हेलो प्रेरणा, हेलो निधि, हेलो दीपांशु, कैसे हो आप लोग? हेलो सियोन, हेलो सियोन, हेलो चन्नीत, हेलो अभिषेक, हाय सर। तो आज का टॉपिक है सब सीक्वेंस पढ़ना है फिर से। कल हमने लिमिट्स, लिमिट पॉइंट के माध्यम से पढ़ा था, आज हम बाउंडेड सीक्वेंस और सब सीक्वेंस के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की शुरू करते हैं भैया क्लास। अरे रब, प्रेरणा तुम क्लास में नहीं आती अपनी, उसमें स्केचुल की क्लास में? सर आज कॉलेज थी, इसलिए दोनों क्लास में आते। कॉलेज थी? मैं कॉलेज था नहीं। चन्नीत भी आज ऐसे जेंडर बायसनेस हो रखा है, थी था लगा रहा था ये भी आज है। चन्नीत बाबू क्या सोचते हो? लिखो एग्जाम्पल वन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस विच हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस विच हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। देखिए एग्जाम्पल, आया कुछ समझ में? नहीं आया अभी। वन टू, वन टू अनबाउंडेड है, बाउंडेड है तो प्रेरणा अनबाउंडेड सीक्वेंस ढूंढो जिसमें से एक सेफ सीक्वेंस कन्वर्ज करता हो। यस सर। बताओ मैं ढूंढूं? आओ बोर्ड पे देखो, नलायक को गधो, थोड़ी तारीफ लो पहले अपनी। ये है सीक्वेंस बेटा, वो बहुत सारे बना सकता हूं अनगिनत। बताओ क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? नहीं है। सो दिस इज अ विच काइंड ऑफ अ सीक्वेंस? अनबाउंडेड सीक्वेंस। उसका कन्वर्जन सब सीक्वेंस होना चाहिए ना एक? Yes, sir. तो बता कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ऐसे और भी बना सकते थे ना आप? Yes, sir. जैसे कि वन बाय टू वन, वन बाय थ्री टू, वन बाय फोर थ्री, है ना बेटा? ये भी सीक्वेंस अनबाउंडेड है कि नहीं है? अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्या कोई एक सब सीक्वेंस बता सकते हो जो कन्वर्ज कर रहा होगा? वन बाय एन जीरो पे। हाँ तो ये ए एन के हो गया ना, ए एन के सब सीक्वेंस बेटा, है ना? ए एन के तो दो दे दिए मैंने एग्जांपल, पता नहीं जितने मर्जी बना लो आप, ठीक है? नेक्स्ट लग रही है क्या वहां पर? ऐसे ही होता है, कई बार मूड होता है। कल भी है, कल 3 घंटे क्लास है आपके, मजा आता है, रॉकेट लगा हुआ था क्लास में। तुम भी आ जाना कल, ऑफलाइन आ सकती हो तो। यस सर।
चलो अनदर एग्जांपल, गिव एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस एंड शो दैट दे आर डाइवर्जेंट एंड शो दैट दे आर डाइवर्जेंट बोर्ड पे तुमने अभी बोला था 1 2 1 2 बोला था ना अभी सियोन, ये सीक्वेंस है हमारा राइट, सीक्वेंस है इसका सब सीक्वेंस बता बेटा। तो ए हाँ एक तो 1 1 1 हो गया, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है बेटा वो, ओके एक हो गया से इसी में से बी एन के ले लेते हैं। हाँ ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है बेटा, क्या ये दोनों सब सीक्वेंस अलग अलग डिस्टिंक्ट लिमिट्स पे कन्वर्ज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट लिमिट्स पे? तो अगर सब सीक्वेंस अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डाइवर्ज, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसकी यूनिक लिमिट होती है। ओ भाई दसो, यहां दो सब सीक्वेंस हैं, दोनों के दोनों सब सीक्वेंस अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। इफ सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू डिफरेंट लिमिट्स देन सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज, तो कैन नॉट कन्वर्ज का मतलब डाइवर्ज ही हुआ ना। अरे अंग्रेजी में लिख भी लेना ये बात, लिखो इफ टू सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस, इफ टू सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट लिमिट्स देन सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज। हूँ मैं दसो एग्जाम्पल देता है मैं तुम्हानू कि बताओ ये डाइवर्ज करेगा क्या करेगा सीक्वेंस, शो करना है ना सब सीक्वेंस, पहले तो लिमिट्स बताओ, एन को वन रखो, एन को वन क्या रखोगे तो क्या आएगा, एन को टू रखोगे तो अरे 3/2 आएगा, एन को 3 रखोगे तो चलो देख ले, एन को 2 रख, 1+1 2, हाँ 5/2 है ना, और एन को 3 तो एन को 4 तो चाहू 9/4, अरे 9/4 ना, और फिर 1/5 आएगा ना इनको 5, तो क्या ऐसे सीक्वेंस आ रहा है, तो इसमें से ये सीक्वेंस है आपका ए एन, तो इसके सब सीक्वेंस बताओ जो कन्वर्ज करते हैं, पहला सब सीक्वेंस क्या है, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो। हाँ और दूसरा फाइव बाय टू, 9/4 क्या आ रहा है, ये 2.5 और 4 2 जा 8, 2 पे कर रहा है, चेक करो 2 पे कर रहा है ना, अरे कम हो रहा है भाई, हाँ तो 2 पे जाएगा ना मतलब, तो क्या ये सब सीक्वेंस अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं होगा। सो इफ सब सीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू टू डिफरेंट लिमिट्स देन सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज। ओ गल चंगी है जी, क्लियर हो गया बेटा ये, चलो जी आगे, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस।
कन्वर्जन सबसीक्वेंस, बहुत इजी आती है तुम्हें। देखो सबसीक्वेंस ए एन के कन्वर्जेस टू एल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट के नॉट कोई नेचुरल नंबर है सच दैट मॉड ए एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन is less than epsilon for all k greater than equal to what k naught. This is the definition of convergent subsequence. और कोई भी सीक्वेंस सबसीक्वेंस कब कहलाता है, जब वो सीक्वेंस के ऑर्डर को फॉलो करता है ना। जिस ऑर्डर में सीक्वेंस की टर्म्स हैं उसी ऑर्डर में क्या आने चाहिए, सब सीक्वेंस की टर्म्स आने चाहिए, तभी वो सब सीक्वेंस कहलाएगा, वरना सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। धन जी थ्योरम वन क्या कहती है बेटा, सीक्वेंस एन converges to L if and only if every subsequence of it also converges to L. Every subsequence of sequence N also converges to L. गल सही है जी। अगर सारे सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, और अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करता है तो सारे सब सीक्वेंस भी कहाँ करेंगे। कल ये बात अच्छे से बता दी थी मैंने आपको बेटा, ठीक है। प्रूफ इसका let sequence an converges to l, हमने पहले तो ये बता दिया कि sequence an कहाँ converge करता है भाई, and let an k be the subsequence, and let an k be the subsequence of sequence an. So to show क्या करना है बेटा, so to show that subsequence a and k converges to where, let epsilon positive be given, to show what, ki there exist a k naught belongs to what natural number such that mod a and k minus l is less than for all k greater than equal to what? अरे क्लियर हो गई बात, ये शो कर लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, ये तो सजाने का काम हो गया। हाँ जी बेटा बढ़े आगे, अब प्रूफ शुरू करते हैं। बहुत इजी है, आप एक बार में ही कर लेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। एज स्टूडेंट्स वॉच केयरफुली हियर, एज सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन नॉट क्या है बेटा, एक सच दैट क्या लिखो, मॉड
माइनस ए एन माइनस एल, ए एन कन्वर्ज करता ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एन नॉट। देयरफॉर इन पर्टिकुलर, इस चीज को पर्टिकुलर मैं सब सीक्वेंस लिखता हूं, इन पर्टिकुलर। तो अगर मैं इस चीज को सब सीक्वेंस के लिए लिखूंगा तो मॉड के एन की जगह क्या आ जाएगा, एन के, एन की जगह क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एन नॉट। अरे ऐसे लिख दूंगा ना इन पर्टिकुलर, लेकिन कन्वर्जन सब सीक्वेंस की डेफिनेशन तो कुछ और है, उसमें तो यहां के ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट है कि नहीं बताइए। और जबकि हमारे पास यहां क्या आया बताओ, एन के ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एन नॉट आया है। इन पर्टिकुलर कैसे कर दिया सर आपने, अरे कर सकता हूं सीक्वेंस में एन की जगह एनके कर दिया, अरे ठीक है कि नहीं बताओ। फिर एज एज एन के इज, एन के इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स ना, अरे बोलो भाई, नेचुरल नंबर्स, एन के एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसका है बेटा, नेचुरल नंबर्स का है। और एन के कहाँ कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा बताओ, नेचुरल नंबर्स कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राज की बात बताता हूँ आज आपको, कभी भी एग्जामिनर देखो पता क्या, अगर हमारी किताब में चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन से बताने की ना एक खासियत है इनमें, पता नहीं क्या चक्कर, आपसे बोलेगा कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बताओ, राइट। तो एक बार बता, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस डाइवर्ज कब करेगा, क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, है नेचुरल नंबर्स मोनोटोनिक, क्या ये बाउंडेड अबव है, नहीं। तो बस कोई भी सीक्वेंस इन्फिनिटी पे कब जा रहा है, जब वो बाउंडेड अबव, अरे बोलो ना, अगर मैं बोल दूं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है के से, तो इसका मतलब ए एन ग्रेटर देन के आएगा कि नहीं आएगा। सो द मोमेंट यू राइट ए एन ग्रेटर देन के, इट मींस इट इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ, अरे भाई कोई भी सीक्वेंस डाइवर्ज इन्फिनिटी पे कब करेगा बताओ ना, जब वो बाउंड अबव माइनस इन्फिनिटी पे कट जाएगा, जब वो बाउंड बिलो, अरे कॉमन सेंस है ये। तो कॉमन सेंस क्या कहती है बेटा यहां पर, कि कोई भी सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रहा है इसका मतलब वो बाउंड अबव नहीं है, क्या ये बात समझ में आती है। सो देर, तो देख मेरे बेटा, देर एग्जिस्ट के नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन के इज नॉट बाउंडेड अबव, एन के इज नॉट बाउंडेड अबव बाय सम नेचुरल नंबर व्हाट, एन नॉट से बाउंडेड अबव, तो नहीं है तो इस बात को कैसे लिखा जाएगा। अरे लेस देन इक्वल टू नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ग्रेटर देन होगा, बोलो बेटा क्या ये भी नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर से बाउंड अबव लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन है ना बेटा। तो क्या मैं यहां पर ये बात छोटी सी सजा के लिख दूं कि ये लेस देन इक्वल टू नहीं है। अरे क्लियर है, फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट, फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, के नॉट। तो क्या मैं एन के ग्रेटर देन एन नॉट की जगह पे के ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट ला सकता हूं अब, क्योंकि एन के बड़ा होगा एन नॉट से, ये बात सच तभी होगी जब के किससे बड़ा होगा, हां जी। तो क्या मैं इनको इक्वेशन वन और टू बना दूं और फिर लिख दूं फ्रॉम वन एंड टू, क्या लिखूं फ्रॉम वन एंड टू, एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट, लिख दो यहां पर, बस हो गया आपकी कहानी, राम कहानी खत्म। फ्रॉम वन एंड टू मॉड ए एन के माइनस एल किससे छोटा है, फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, तो देयरफॉर सीक्वेंस ए एन के कन्वर्जेस टू वेयर एल, यस और नॉट। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा था, सब सीक्वेंस भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्या रहा है, क्या दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं, इन पर्टिकुलर कर दिया। और सब सीक्वेंस कब कहलाता है, कोई भी सीक्वेंस सब जब सीक्वेंस की टर्म्स किस ऑर्डर में हो, तो एन के इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, कहां चल जाएगा एन के,
तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसका मतलब बाउंड अबव, तो किसी भी नेचुरल नंबर से बाउंड अबव नहीं होगा ना, ऑफकोर्स एनके के तो नेचुरल नंबर ही आएंगे ना, अरे एनके वाले सीक्वेंस में क्या आएंगे सारे, तो नॉट बाउंड अबव बाई नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब बड़ा साइन आ जाएगा एंड इन दोनों को मिला वो आंसर आ गया हमारा। अरे ये प्रूफ समझ में आया, फिर लास्ट में कन्वर्स लिखवाऊंगा, पहले लिख लो इसको, बहुत ईजी था। पीछे चलूँ क्या पहले? पीछे आ गया, हो गया था शायद, हाँ उतार लिया था यहाँ तक, ओके। लिख लिया बेटा, तुम्हारा इग्नू है, इग्नू तुम अकेले स्टूडेंट हो इग्नू में? नहीं, हाँ मतलब दिल्ली में इग्नू से जो कर रहे हो वो अकेले हो तुम? नहीं इधर तो अकेले हो इग्नू में, मतलब एडमिशन तो बहुत सारे बच्चों ने लिया होगा। अच्छा तो वैसे बच्चों ने ग्रुप तो बना रखा होगा आपस में, पता होगा बच्चों को? नहीं कुछ वहाँ होता है ग्रुप में, बस नाम के लिए बना दिया है, वो भी ज्योग्राफी का, मैथ का। अच्छा तो मैथ का बना, तो क्यों बच्चे मिल जाएंगे अपने आप ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐड हो जाएंगे? नहीं बन सकता ग्रुप ऐसे, क्यों? तो तुम्हारा ग्रुप नहीं बना रखा कॉलेज से? मेरा बस ज्योग्राफी का बना है, उनको बोलो ना मैथ्स का ही बना दो हमारा, यार हमें दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं कोई बात, तुम डाने लगो वहाँ पर, लोग तुमसे मांगने लगेंगे, डिपेंडेंस हो जाएगी तुम्हारे पे। हो गया, लिखो द कन्वर्स ऑफ, द कन्वर्स इज ऑब्वियस, द कन्वर्स इज ऑब्वियस, कन्वर्स ये इफ एंड ओनली इफ थी ना स्टेटमेंट, देखो कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो सारे के सारे सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेंगे किस पे? ये तो मैंने प्रूव कर दिया, अगर सारे सब सीक्वेंस एल पे कर रहे हैं तो सीक्वेंस भी किस पे करेगा? वो ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि एवरी सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। जब सब सीक्वेंस एल पे कर रहा है तो वो सीक्वेंस भी तो है, एवरी सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। तो लिखिए द कन्वर्स इज ऑब्वियस, व्हाई एवरी सब सीक्वेंस इज अ, एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। तो कन्वर्स में अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर जाएगा। हो गई थ्योरम ये? तो
पहले मेरी बात बताना, 1 2 1 3 1 3 ऐसे दिया तो 1 1 1 कन्वर्ज कर रहा है ना, तो वो सब सीक्वेंस है ना, वो तो वो सीक्वेंस भी है ना, तो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस आ गया, तो सब सीक्वेंस तो करेगा करेगा ना हर हालत में। अरे बोल भाई, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, प्रूव किया ना ये तो मैंने, तो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, क्या सब सीक्वेंस भी एक सीक्वेंस है? तो ख़त्म बात, मुझे क्या प्रूव करना है बता। अरे सब सीक्वेंस भी तो क्या है, एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम टू बहुत बड़ी है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो बस रायता है आपके लिए ये, और ये पेपर में ज़रूर आती है। मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम कराई थी कॉलेज में किसी को? मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम क्या कहती है पता? शुदिन ने बताऊं इस बात का मतलब, तुम दुनिया का कोई भी एक सीक्वेंस लिख दो, सारे मिलके मुझे गंदी से गंदी टर्म बोलो, उल्टी सीधी दाएं बाएं जो तुम्हें मन करता है, तुम दुनिया का कोई भी एक सीक्वेंस लिख दो, मैं उस सीक्वेंस में से एक सब सीक्वेंस जरूर ऐसा निकाल दूंगा जो मोनोटोनिक होगा। तुम कोई भी टर्म बोलो, बोलो शुरू करो, तुम बोलो ना जो मन करता है, जो मन करता है। माइनस ई, नहीं नहीं रियल नंबर बोल, कोई नहीं पर ई की कोई वैल्यू दे देना। हाँ माइनस 2.7 करते हैं। अब बोल आगे चल, और हाँ और क्या मैं इसमें से एक सीक्वेंस नहीं ढूंढ सकता जो मोनोटोनिक हो? ढूंढ सकता हो कि नहीं? देखो पहले एक तो देखो, माइनस 2.7 बढ़ रहा है ना ये तो आगे नंबर। अरे बोलो 9, क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? अरे है ना, ऐसी कोई और सीक्वेंस बना दूंगा जो डिक्रीजिंग होगा। तुम कोई भी टर्म्स उठा सकते हो ना उस ऑर्डर में। अरे बोल भाई, माइनस 2.7 इससे छोटा है? बोलो बोलो, हटा दिया 78/4, 69/40, 2.7 से 69/40 ठीक है। अरे समझ में आ रही ना बात? मेरा कहने का मतलब, तुम कोई भी एक सीक्वेंस बनाओ, उसका एक सब सीक्वेंस ऐसा जरूर बन जाएगा जो क्या होगा? मोनोटोनिक। तो ये मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम हो गई, बन सकता है ना। अच्छा अगर मैं उस सब सीक्वेंस मोनोटोनिक हो गया, उसको बाउंडेड दिखा दो तो वो क्या करेगा? वो हो गई बोल्ज़ानोविस्टास थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, क्योंकि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो क्या कोई भी सीक्वेंस होगा उसका मोनोटोनिक सब सीक्वेंस आ जाएगा, और वो सीक्वेंस बाउंडेड भी है, तो सब सीक्वेंस क्या करेगा? नहीं समझे फिर से दोबारा से, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो पहले बताओ, बाउंडेड सीक्वेंस है तो सीक्वेंस है तो उसका एक सब सीक्वेंस ऐसा जरूर होगा जो मोनोटोनिक होगा, और वो बाउंडेड है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो सब सीक्वेंस भी क्या होगा? तो सब सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो गया और बाउंडेड भी, तो क्या करेगा वो? अरे गल समझ आई है? हाँ ये लॉजिक समझा रहा था मैं आपको, तो पर है तो अभी फिलहाल मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम कर लेते हैं। ये बोल्ज़ानोविस्टास थ्योरम प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो बाउंडेड दे देगा और एमसीटी से हो जाएगा काम। तो थ्योरम क्या बोलता है देखिए आप, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस
हैज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक, कोई भी सीक्वेंस है तो उसका एक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस जरूर होगा. प्रूफ शुरू करें, बहुत बड़ा प्रूफ है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा. ये क्रैमिंग स्टेप है. समझाता हूँ, पहले ये स्टेप समझाना जरूरी है क्योंकि ये पहले स्टेप पे ही पूरी किस्मत इसकी चिपकी हुई है. ठीक, कहता है लेट ए एंड बी सीक्वेंस आर, ये क्रैमिंग स्टेप है पर्पल वाला. ये स्टेप क्या कहता है सुन लो, इसकी ऑब्जर्वेशन देखो क्या है. ये स्टेप से क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, अगर स्मॉल जे बिलोंग करता है कैपिटल जे में, राइट, तो वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा. सो देयरफॉर सीक्वेंस की सारी टर्म किससे छोटी बराबर होंगी, और जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ती जाएंगे तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा. यस सर. अरे भाई नंबर बोलो ना, कोई भी नंबर, एन छोट एन बड़ा बोलो, जैसे एन बड़ा जी बोल के बोलोगे तो टू बड़ा है वन से, है ना, तो ए टू टर्म छोटी बराबर है ए वन से, थ्री बड़ा है टू से, सो ए थ्री टर्म छोटी बराबर है ए टू से, फोर बड़ा है थ्री से, ए फोर टर्म छोटी बराबर है ए थ्री से, राइट. नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो ना, मैंने एन, ये एन है, ये जे है, ये ए एन है और ये ए जे है, क्या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसको मैं सारे को कंबाइन करूं तो ए वन किससे बड़ा बराबर है, किससे बड़ा बराबर है, तो बताओ क्या डिक्रीजिंग नहीं है? ये सबसे बड़ी टर्म ए वन हो गई, फर्स्ट टर्म सबसे बड़ी है, तो अगर फर्स्ट टर्म सबसे बड़ी है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? तो पहली ऑब्जर्वेशन समझ में आई. अच्छा, कोई भी नंबर इस सेट में नहीं है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी, अरे ये सेट में कोई भी नंबर होगा तो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा ना यार, तो सेट में नहीं होगा तो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं. समझे मेरी बात? नहीं समझते हो आप, जल्दी नहीं समझते. आ गया, जो इस क्लास में है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट है, जो इस क्लास में नहीं है उसके मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है. अरे सबको बुला लिया ना, सारे घर वालों को बुला लिया, इस कमरे में डिक्रीजिंग वाला डाल दिया, बाकी वहां डाल दिया, तो बाकी क्या, बाकी इंक्रीजिंग क्या हो गया यार? अगर इस सेट में कोई भी नंबर होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, तो अगर इस सेट में नहीं होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा ना, क्योंकि अगर वो डिक्रीजिंग होता तो इसी सेट में होगा. इतने भयंकर लॉजिक्स लगा सकते हो क्या तुम लोग यार? तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये क्रैमिंग स्टेप है, ये पर्पल वाला. अरे ठीक है, तो देखो दोबारा से ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन देखो जो तुम्हें दूसरी वाली बोली थी, कि अगर स्मॉल जे इस सेट में नहीं है तो बताओ किसी स्टेटमेंट का नेगेशन, इस क्लास के सारे बच्चे पास हैं, बात झूठी कब होगी? कोई हाँ, तो जब नेगेशन लिखते हैं, राइट, नेगेशन इफ एंड ओनली इफ था यहाँ पर, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, कोई नेचुरल नंबर होगा ना बेटा, सच दैट एन तो किससे बड़ा होगा,
जे से बट ए एन छोटा बराबर ए जे से नहीं होगा, तो कैसा होगा ए एन? बड़ा। थैंक यू वेरी मच। नहीं समझ में आई बात यार, सिर्फ इसको बस ये समझाना मुझे, ये पर्पल वाला अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो डन, ये बिठाना है आपके दिमाग में, और ये रफ वर्क है ये, ठीक। तो कोई भी नंबर इस सेट के अंदर है, ठीक है। देखो बेटा डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, टर्म तो आगे बढ़ रही है, ए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, लेकिन वैल्यू छोटी हो रही है। टर्म तो 1 2 3 4 5 आगे बढ़ेगी। देखो एन किससे बड़ा होगा हमेशा जे से, पर जो एनथ टर्म है वो छोटी बराबर है किससे, जे एथ से, तो डिक्रीजिंग हो गया ना ऑटोमेटिकली। अगर सेम ऑर्डर में होगा, सेम ऑर्डर, टर्म भी आगे बढ़ रही है और टर्म की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना। आई होप प्रेरणा क्लियर हो गई ये वाली बात कि नहीं हुई। हाँ तो पहले इसको रफ में उतार लो इसको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था बेटा। कोई भी नंबर इस सेट को बिलोंग करेगा तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, नहीं करेगा तो इंक्रीजिंग होगा, खत्म बात। थोड़ी मुश्किल थ्योरम है पर बड़े अच्छे समझाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। बस ये स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं बस। चलिए जी, तो क्या ऑब्जर्वेशन थी यहां लिख देते हैं, इफ स्मॉल जे बिलोंग्स टू कैपिटल जे देन इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन इक्वल टू ए जे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जे। गल क्लियर है जी, स्मॉल जे डज नॉट बिलोंग्स टू जे इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट अ अरे नेचुरल नंबर जो किससे बड़ा होगा, सच दैट ए एन इज देन वंडरफुल। तो जब कोई नंबर बिलोंग नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, जब बिलोंग करेगा तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे, येस और नॉट। तो दो स्टेटमेंट बना ली मैंने, समझो काम हो गया। अब आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, अब तो समझ में आ रही सारी बात। तो ये जो पर्पल वाला स्टेप है बेटा, ये आपके बुक में दिया हुआ है, क्रैमिंग स्टेप है ये, ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे कि कौन से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ले लो या क्या ले लो डिक्रीजिंग, ठीक है, उस हिसाब से। केस वन, नाउ वी हैव केसेस। केस वन बच्चों, वन J is equal to 5. What does this mean, Prerna ji? कोई भी एलिमेंट J में नहीं है, राइट? मानते हो मेरी बात सारे बच्चे? आ जा मेरे बेटा, लेट n1 क्या ले रखा है उन्होंने, एक नेचुरल नंबर, बी एनी नेचुरल नंबर एंड n1 डज नॉट बिलोंग्स टू J, ये बात सच है? अरे J तो खाली है ना, J तो कैसा है? तो जब डज नॉट बिलोंग टू J आता है तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट आने चाहिए ना।
जब डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो नीचे वाली स्टेटमेंट आएगी ना. सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन टू कोई टर्म है जो किससे बड़ी है एन वन सच दैट ए एन टू इज ग्रेटर देन वॉट. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड. ऑल्सो ऑल्सो मेरे बेटा प्रेरणा एन टू डज नॉट बिलोंग्स टू जे, बात सच है? तो नहीं है तो फिर पहले वाली टर्म फिर से यही वाली. सो देयर फोर देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन थ्री टर्म है जो किससे बड़ी है एन टू से सच दैट ए एन थ्री टर्म भी बड़ी होगी किससे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल्सो एन थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू वेयर जे, वाई, बिकॉज जे इज एन एम्प्टी सेट. सो देयर एग्जिस्ट एन फोर टर्म जो किससे बड़ी होगी बेटा सच दैट ए एन फोर इज ग्रेटर देन वॉट एंड वी कंटिन्यू टू डू सो वी कंटिन्यू टू डू सो. तो अगर करूं तो देखो कैसा आएगा, ए एन वन से बड़ा क्या है, ए एन टू से बड़ा, ए एन थ्री से बड़ा, और टर्म्स भी आगे बढ़ रही हैं. क्या क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा अभी रुक तो जाओ, पर उतारो इसको, अभी आते हैं. एडमिन से बोलना मैथ्स के बच्चों ग्रुप बनाना, कोशिश तो कर. हाँ अपना, हाँ 3 साल के लिए चलेगा भाई वो नंबर, फिर तेरा ग्रुप हो जाएगा वो. कोई नहीं, देखें आगे बढ़े भाई. वी प्रोसीड अप टू इन्फिनिटी है ना. अरे इन्फिनिटी प्रोसीड करेंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे. तो बाय आवर कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, बाय आवर कंस्ट्रक्शन क्या एन वन लेस देन एन टू है, लेस देन एन थ्री है? बोलो बोलो. Yes, देखो पीछे चाहे एन वन छोटा एन टू से, एन टू छोटा एन थ्री से, एन थ्री छोटा, क्या ये कंडीशन सब सीक्वेंस के लिए चाहिए होती है हमेशा? डज दिस इज द कंडीशन फॉर सब सीक्वेंस बच्चो? सो देयर फोर देयर फोर सब सीक्वेंस ए एन के ऑफ ए एन इज मोनोटोनिकली मैं बिल्कुल बुक के से मैच करना पड़ेगा स्क्रिप्ट. सीक्वेंस ऑफ ए एन, ए एन ऑल्सो ऑल्सो ए एन वन इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन व्हाट. देखो ऐसे ही ऑर्डर था, ए एन वन इज लेस देन एन टू है ना. तो सीक्वेंस ए एन के इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देयरफॉर सीक्वेंस एन के इज मोनोटोनिक. मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या होती है? वेरी गुड. तो केस वन समझ में आया, केस वन में जे एम्प्टी था, जे में कोई नंबर ही नहीं था. तो कोई भी नंबर जे में नहीं होगा तो वो सारे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे ना.
समझ में आ गया ना सिवान कैसे कंस्ट्रक्शन की थी हमने ये, है ना। लेट मी स्टार्ट केस टू स्टूडेंट्स फॉर यू। केस टू, जे इज नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर उसका कोई फाइनाइट सेट है उसका कोई सबसे बड़ा नंबर तो होगा ही। अरे है ना, अगर मैं उससे बड़ा नंबर ले लूँ, सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर, तो क्या वो सेट में होगा? नहीं होगा। फिर से कहानी सेम चलेगी, फिर से कहानी सेम चलेगी, क्योंकि मैंने से मान लो इस सेट का सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो क्या 6 सेट में होगा? तो 6 जे में नहीं होगा, तो जे में नहीं होगा तो फिर से सेकंड वाली कहानी चलती जाएगी वैसे ही। वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस, राइट? तो करते हैं जरूर, ठीक है। बोर्ड पे देखें, जे इज नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, देन जे हैज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जे का कोई क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, से जे स्टार। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? जे स्टार। लेट एन वन बी अ नेचुरल नंबर, लेट एन वन बी अ नेचुरल नंबर सच दैट कि एन वन जो है बड़ा है किससे? जे स्टार से। तो क्या एन वन सेट में होगा? तो आ जाओ भाई फिर से। सो देयरफॉर एन वन डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? सो बाय द ऑब्जर्वेशन नंबर टू, ऑब्जर्वेशन नंबर टू याद है आपको? क्या था ऑब्जर्वेशन नंबर टू? देयर एग्जिस्ट एन टू जो किससे बड़ा है, सच दैट ए एन टू टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन वॉट? ऑल्सो एन टू विच इज ग्रेटर देन वॉट? एन वन विच इज ग्रेटर देन वॉट? अरे जे स्टार। सो देयर फोर एन टू ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू वॉट? तो देयर एग्जिस्ट एन थ्री विच इज ग्रेटर देन वॉट? Such that a n 3 is greater than, अरे गलत समझ आ रही है, then n 3 which is greater than n 2 which is greater than what and which is greater than what? J star. So therefore n 3 also does not belongs to what? So there exists n 4 which is greater than what? n 3 such that a n 4 is greater than what? And we do it till what? सो बाय आवर कंस्ट्रक्शन, बोर्ड पे देखते जाओ, बाय आर कंस्ट्रक्शन, पहले तो बताओ एन वन किससे छोटा है, वो किससे छोटा है? अरे हो गया, तो ए एन के क्या सब सीक्वेंस हो गया? ए एन के इज अ ऑफ सीक्वेंस एन, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा सब सीक्वेंस है। एंड ऑल्सो ए एन वन इज लेस देन, तो इसका मतलब सब सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं बेटा? yes, sir. क्या चलाकी लगाई? सिर्फ छोटी सी चलाकी कि क्योंकि सेट नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट है तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट होगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट से बड़ा नंबर ले लिया हमने, तो क्या वो सेट में होगा? nice, फिर से पहला स्टेप रिपीट कर दिया पूरा। अरे पहला स्टेप फिर से रिपीट कर दिया ना भाई, करो एक बार पिछली स्लाइड करना। अच्छा अभी एक पार्ट और बाकी है भाई, केस 3 भी है अभी। सर केस 3 जे स्टार से छोटे नंबर्स के लिए नहीं, इनफाइनाइट। अब जे फाइनाइट हो गया, अब इनफाइनाइट हो जाएगा जे। जे पहले एम्प्टी था, फिर फाइनाइट सेट था, फिर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, फिर सब कुछ जे में होगा, तब भी सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा क्योंकि वो डिक्रीजिंग है उसके अंदर नंबर सारे। बेटा छोटे नंबर करेंगे तो जे के अंदर बिलोंग कर देंगे,
तो जे में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग करेगा ना वो भी तो, है ना बेटा? तो वो तो हमें पहले से पता है, जे के अंदर के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमने उसके बाहर के भी डिस्कस करने पड़ेंगे ना। हाँ बेटा, अगली स्लाइड। समझ में तो आ रहा ना क्या हो रहा है ये? तो पहले सबसीक्वेंस प्रूव करना जरूरी था, उसके बाद मोनोटोनिक प्रूव करना जरूरी था। तो सबसीक्वेंस प्रूव करने के लिए वो N1 N2 वाला कर दिया ना, N1 छोटा होना चाहिए N2 से, छोटा होना चाहिए N3 से। कल आप नहीं थे, कल पढ़ा था आपने, लेक्चर देख लिया था? नहीं देखा तो समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें तो। आ रहा है कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी वो। अभी तो सब सीक्वेंस ही नहीं पता क्या होता है। पर हाँ लॉजिक समझ में आ रहा है। फास्ट पढ़ाओगे तो नहीं आएगा। नहीं कल भी बहुत ज़्यादा नहीं कराया, पर तसल्ली से कराया कल भी। मुश्किल टॉपिक है ना, जब मुश्किल होता है तो हमें खुद लगता है कि इस पर टाइम देना चाहिए। नहीं मेरे को किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सर इजी टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते लेकिन डिफिकल्ट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, तो आप इजी भी अच्छे से पढ़ाओ। हाँ, सुखप्रीत सिंह राहुल 2004 बैच। बाय आवर कंस्ट्रक्शन, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द गाइस, द स्टेप 3 लिख लिया ना, स्टेप 3 चलते हैं, जहां पर हमारा जे इनफाइनाइट है, केस 3। तो ये बुक में ऐसा ही है प्रूफ, एग्जाम में आएगा, आपको यही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी बेटा, जे इज इनफाइनाइट। तो अब तो सब कुछ इसमें होगा बेटा, है ना? तो जे इनफाइनाइट है, देखो अंग्रेजी में, एज जे इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एज जे इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो देयरफॉर जे इज काउंटेबल, देयरफॉर जे इज काउंटेबल। सो क्लियरली जे कैन बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, clearly J can be written in ascending order. Natural numbers तो ascending order में ही होगा ना भाई, तो J can be written in ascending order. करेक्ट है यहां तक बात? तो एज J1 बिलोंग्स टू J, व्हाट डज दिस मीन? अगर बिलोंग करेगा तो सारे सिस्टम को फॉलो करेगा ना भाई, सो देयरफॉर An शुड बी लेस देन इक्वल टू AJ वाली स्टेटमेंट आएगी कि नहीं आएगी, है ना? AJ1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन J1, करेक्ट है बेटा? ऐसे J2 belongs to J, right?
देयरफॉर ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए जे टू आ जाएगा ना, बल्कि ए जे वन लिख देता हूँ, फिर लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जे टू कर दो ना इसको ऐसे, एंड गोज लाइक दिस. सो देयरफॉर ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए जे वन इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, ए जे टू, ऐसे आ जाएगा ना बेटा हमारे पास. अरे बुतासो पाजी, ठीक है तो आगे कर सकते हैं बस. वी प्रोसीड अप टू इन्फिनिटी बाय अवर कंस्ट्रक्शन, बाय अवर कंस्ट्रक्शन जे वन बड़ा है जे टू से और वो बड़ा है किसे, जे थ्री से. सो देयरफॉर ए जे के इज अ सबसीक्वेंस, राइट, इज अ सबसीक्वेंस. और यहाँ से उसको मोनोटोनिक दिखा दो बेटा, पहले तो मैंने सबसीक्वेंस बता दिया, उसके बाद क्या बता दिया उसको, मोनोटोनिक. सेम सा स्टेप है ना बिल्कुल. हाँ तो मोनोटोनिक डिक्रीज ही तो कर रहा है ये, जे वन जे टू जे थ्री बड़े होते जा रहे हैं, टर्म छोटी होती जा रही है. कुछ गड़बड़ हो गई है ना. ठीक है ना, ए जे टू इज लेस देन इक्वल टू ए जे वन, डिक्रीजिंग तो आएगा, तो ए जे थ्री आएगा यहाँ पर, है ना. ठीक. ए जे टू से छोटा हो जाएगा ना यहाँ पर ए जे वन बेटा, क्योंकि उसके हिसाब से ना अपने को तो सेट के हिसाब से है ना. चलो जी, जय माता दी. एक और थ्योरम लिख लो. सो देयरफॉर ए जे के इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ए जे के इज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस. अरे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया ना बेटा. ए जे के इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, देयरफॉर ए जे के इज मोनोटोनिक सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन. तो ये मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम होगी. तो मतलब आप कोई भी सीक्वेंस ले लो दुनिया का, उसका कम से कम एक सबसीक्वेंस तो ऐसा जरूर होगा जो मोनोटोनिक होगा. बेटा नेचुरल नंबर तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो ठीक है बेटा, टर्म बेटा नेचुरल नंबर तो ठीक है ये. और इसके नीचे जो आपने बाय आर कंस्ट्रक्शन जो प्रूफ के सबसे नीचे थे ये ना. अच्छा उल्टा कर दिया गया साइन. अच्छा दोनों उल्टे सीधे कर दिए थे मैंने तभी. अच्छा सॉरी बेटा, थक जाता है ना जब ऐसे होता है. सब सीक्वेंस ठीक है. देखो बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम स्टेटमेंट बताई थी सर. क्या आ रहा है बेटा, बोल्जानो बी ओ एल जेड ए एन ओ, क्या साइन आ रहा है बेटा, बैटरी कम का. लिखो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस
एज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो उसका सबसीक्वेंस कन्वर्ज जरूर करेगा, कोई एक कम से कम, है ना। सुनो प्रूफ लिखो, प्रूफ बाय एमसीटी मोनोटोनिक कन्वर्ज, नहीं मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम, बाय मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। Therefore, subsequence a n k is bounded. Or say the subsequence a n k is monotonic. Subsequence a n k क्या हो गया अब? Monotonic. By given condition, sequence a n is bounded. By given condition, sequence a n is bounded. Sequence an is, so therefore every subsequence of it also bounded. Therefore, sequence an is bounded. Therefore, every subsequence of it is also bounded. Every subsequence of it is also bounded. Correct, Aji? तो सब सीक्वेंस ए एन के, देखो सब सीक्वेंस ए एन के इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम सब सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस ना। अरे बताओ, बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम सब सीक्वेंस ए एन के क्या करेगा बेटा? कन्वर्ज। यही बताना था ना पूरी प्रूफ में। अगर थ्योरम टू आते है पेपर में, पांच नंबर से ज्यादा है, पांच नंबर की, तो पिछले वाले थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी आपको, मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम, और लास्ट में ये पैराग्राफ चिपकाना पड़ेगा कि एक बार बताओ, आपने मोनोटोनिक तो प्रूव कर दिया सबसीक्वेंस को, और बाउंडेड भी है तो क्या करेगा? कन्वर्ज। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि थ्योरम में बाउंडेड तो दिया हुआ है ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो सबसीक्वेंस भी क्या होगा? बाउंडेड। ऑलरेडी सबसीक्वेंस को मोनोटोनिक तुम प्रूव कर चुके हो, तो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंप्लाइज व्हाट? कन्वर्जेंस बाय विच थ्योरम? एमसीटी। सो हियर वी फिनिशेस द बोल्ज़ानो-विस्टा थ्योरम एंड सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस इज डन। क्या सबसीक्वेंस इज डन? अभी सीक्वेंसेस में एक टॉपिक और बाकी है, कॉची सीक्वेंस। कल करेंगे कॉची सीक्वेंस। हाँ जी, हमारे कॉलेज में ना क्या है, स्पीच है, मतलब सब सीक्वेंस में ना वो पीक करके बता तो रहे थे, मैं समझ नहीं आया। पीक? हाँ पीक करके, नहीं बेटा कुछ गलत सुना हो कुछ। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इनफीरियर तो पता है आपको, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट एंड द लीस्ट लिमिट, लीस्ट लिमिट पॉइंट। पीक बताया था, पीक नहीं, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड पीक यार। कंफर्म करो क्या है वो। अरे मैंने ज्यादा करा दिया भाई, कोर्स से ज्यादा कराया। पता नहीं भाई, पीक का मतलब बताओ क्या है, ये तो समझाओ। सॉरी
सॉरी आई डोंट नो बेटा। ओके जी, राम राम। कल फिर मिलेंगे, कल थोड़ा पहले क्लास है, 5 बजे शायद आपकी क्लास। ठीक है, ओके बाय बच्चों, कल 5 बजे मिलेंगे।